टीकमगढ़ शहर के गांधी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार के वादा खिलाफी को लेकर आंदोलन किया। तो वहीं कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार होने के कारण केंद्र की सरकार पक्षपात ना करे। जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ, उन उम्मीदवार किसानों को केंद्र सरकार से मदद के लिए हर संभव प्रयास करे। विपक्ष की दुश्मनी किसानों के साथ ना निकले। किस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया गया है? जो आज ज्ञापन दिया गया है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिले में ये ज्ञापन दिया गया है। और ये ज्ञापन सेंट्रल गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर जो मध्य प्रदेश के हिस्से के 3,000 करोड़ रुपये थे वो नहीं दे रही है, और जो आपदा किसानों के ऊपर अतिवृष्टि के कारण आई थी उसका भी पूरा सर्वे हो गया है केंद्रीय अध्ययन दल के द्वारा, वो सर्वे पहुँच चुका है। उसके बावजूद भी पिछली राशि मध्य प्रदेश के हिस्से की और इस जो किसानों के साथ अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है उसमें भी कोई सहायता नहीं दी जा रही है। इसी के बाबत आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर महोदय के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि हम लोगों को राशि दी जाए। उधर बीजेपी ने एक आम सभा को संबोधित किया एवं शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अधिक संख्या में मौजूद रहे। आज पूरे मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या को लेकर और जो विकराल स्थिति पूरे किसान जगत के मध्य प्रदेश में बनी है उसे लेकर सड़कों पर किसान आज चेतावनी के लिए रेडी है। हमने ये कहा है कि जहाँ अतिवृष्टि हुई है, प्राकृतिक विपदा पड़ी है, 40,000 रुपया हर हेक्टेयर के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाए, सरकार मुआवजा दिया जाए, बिजली का बिल किसानों का वादे के मुताबिक आधा किया जाए, तब तक किसान भुगतान नहीं कर पाएंगे। अभी पूछना चाहूँगा, जब देखा गया है कि अभी जो अतिवृष्टि हुई है इसमें मुआवजा नहीं मिला है, कौन सा कहना है कि यहाँ पर भाजपा के भी सांसद हैं, ये आर्थिक राशि केंद्र से मिलना है, इसके इसके भाजपा को भी दोषी माना है? केंद्र की सरकार पहले भी 641 करोड़ रुपए प्रदेश को दे चुकी, उसमें से 1 रुपया वितरण का काम नहीं हुआ। केंद्र सरकार के देने की प्रक्रिया है हर राज्य के लिए, सर्वे की रिपोर्ट पहुंचने के बाद हर राज्य को जो इमदाद की जाती है उस इमदाद में केंद्र क्यों देर करें? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार को कि 6,000 रुपया हर किसान की जेब में मोदी जी की ओर से पहुँचना था, उसकी सूची आपने दिल्ली भेज दी। प्रदेश की सरकार रिपोर्ट तक भेजने को तैयार नहीं और ठेकरा मोदी जी की सरकार पर खोला जाता है। हमने सरकार चलाई 10 साल, मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, शिवराज सिंह जी ने कभी ये नहीं कहा कि दिल्ली पैसा नहीं दे रही, हम अपने खजाने के द्वार खोल देते थे। इसलिए किसानों के साथ छल किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था उस वादे को तत्काल पूरा किया जाए। आधा बिल माफ के लिए घोषणा की थी कांग्रेस, 2 लाख रुपया तक का कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, 500-500 रुपये के कुछ लोगों के कर्जा माफ करके ये किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। और इसलिए आज ये केवल चेतावनी है और इसके बाद में कोई भी बड़ा आंदोलन, कोई भी ऐसा आंदोलन जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश पर भारतीय। अभी आपने मन से कहा कि सरकार को लेकर 3 महीने में कुछ होगा, तो क्या कांग्रेस सरकार पर कोई संकट आने वाला है? ये तो कांग्रेस खुद ही व्यवस्था कर रही है और उसका अपना खुद का सिराजा ही बिखरने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रयास करना। आपने कहा कि 10 बार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।